हेलो दोस्तों, रवि हियर। आज हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone 3 लेजर की, जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। मेटल बॉडी डिजाइन है फोन का और लुक्स वाइज काफी अच्छा दिख रहा है, एंड सिल्वर और गोल्ड दो कलर्स में अवेलेबल है। अभी एक मंथ ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे एज एन एक्सक्लूसिव डील अवेलेबल रहेगा, और बाद में आप उसे दूसरे सेलर्स और रिटेलर से भी खरीद सकते हैं। सो अगर आपका इसे खरीदने का प्लान है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है फ्लिपकार्ट की, प्लीज चेक इट आउट। ऑल्सो फ्लिपकार्ट इस पे एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है, तो आप अपना पुराना मोबाइल ठीक ठाक दाम में इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए अब इसके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें। सबसे पहले बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 6.0 मार्शमेलो रहेगा। इसके साथ ही आपको Zen यूजर इंटरफेस 3.0 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू Asus, Zen UI 3.0 में ज्यादा अच्छे रियल टाइम एनिमेशंस और स्टाइलिश विजेट्स ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही आपको वॉलपेपर मोशन इफेक्ट मिलेगा और आपका होम स्क्रीन बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड दिखेगा। प्लस Zen UI 3.0 में गेम जीनी करके एक और नया फीचर है, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा कर देता है। आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करके सीधे YouTube या Twitch पर डाल सकते हैं, या फिर आप स्पीड बूस्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि एक्शन सीन्स को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देगा। कमिंग बैक टू द फोन, 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले साइज मिल रही है और फुल HD वीडियो सपोर्टेड है। इस मॉडल के साथ Asus ने जो एक नई चीज ट्राई की है, वो है अपने लोगो को फ्रंट साइड से हटाकर बैक में डाल दिया है। इससे फोन थोड़ा छोटा हो गया है, बट स्क्रीन स्पेस बढ़ गई है, और Asus के दूसरे यूजुअल मॉडल्स के कंपैरिजन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा हो गया है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है और 178 डिग्री तक का व्यूइंग एंगल है। परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 4GB की रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है और एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 128GB। 1.4GHz का स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 64-bit का, और ये एक 4G LTE सपोर्टेड फोन है, तो रिलायंस जियो को भी सपोर्ट करेगा, और दोनों ही सिम स्लॉट्स 3G एंड 4G सपोर्टेड है, बट एक टाइम पर एक ही सिम 3G या 4G सर्विस को सपोर्ट करेगा। स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए मुझे लगता है परफॉर्मेंस वाइज देयर इज नो डाउट, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है आपको। कैमरा पर नजर डालें तो 13 MP का रियर कैमरा है, ऑफ कोर्स LED फ्लैश के साथ, बट इसके साथ ही लेजर ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है, जिस पर से इस फोन को नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू Asus, पिक्स खींचते वक्त एक लेजर बीम शूट होगी, जिससे ऑब्जेक्ट और कैमरा के बीच का डिस्टेंस मेजर होगा, और उस हिसाब से कैमरा अपना फोकस सेट करेगा। इससे आपको बहुत शार्प और क्लियर इमेज मिलेगी, और ये सब होगा विद इन 0.03 सेकंड्स में ही, तो इंस्टेंट हाई क्वालिटी पिक्चर्स मिलने वाली है आपको। कई सारे मोड्स भी ऐड किए हैं Asus ने, जैसे लो लाइट मोड, रियल टाइम ब्यूटिफिकेशन मोड, सुपर रिजोल्यूशन मोड, जिससे आप 4x रिजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बढ़िया डिटेल वाले पिक्चर्स मिलेंगे, बट स्टिल नॉट एज गुड एज एन एक्चुअल 52 MP कैमरा। There are few more modes like GIF animation mode, slow motion mode, time lapse mode and much more. Front camera की बात करें तो 8 MP का front camera है, और इसमें भी कई अच्छे modes add किए गए हैं। Real time beautification mode के साथ selfies बढ़िया मिलने वाली है आपको। Of course दोनों ही cameras में full HD video recording support है, तो 1080p में 30fps के साथ आप video record कर सकते हैं। Design की बात करें तो बहुत पतला है, Only 7.9 mm thick, right side पर volume और camera buttons दिए हुए हैं, 3.5 mm का audio jack है और एक micro USB port, back side पर से speakers हटाकर bottom में charging port के पास डाले गए हैं, back camera के बिल्कुल नीचे fingerprint scanner दिया गया है, जो आपके fingerprints बहुत ही कम time में detect करता है। अगर आप अपनी finger उस पर swipe करके tap करते हैं, तो ये camera shutter की तरह भी काम करता है। अप टू 5 फिंगरप्रिंट्स स्टोर कर सकते हैं आप, और उसके जरिए कॉल्स आंसर कर सकते हैं या अपने फेवरेट एप्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। न्यू 5 मैग्नेट स्पीकर्स दिए हुए हैं, जो कि अप टू 41% लाउडर ऑडियो आउटपुट देंगे। Asus ऑडियो विजार्ड प्री इंस्टॉल्ड आएगा, जिससे आप मूवी मोड, म्यूजिक मोड, गेमिंग मोड एक्सेट्रा सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज बैटरी पर नजर डाले तो 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल रही है, पर क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका अराउंड 17,000 तक का बजट है, देन आई थिंक आपको थोड़ा बजट ज्यादा बढ़ा के Zenfone 3 लेजर के लिए ही जाना चाहिए, बिकॉज सभी कैटेगरीज में बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं आपको। डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा, एवरीथिंग इज ग्रेट।
और अगर आप स्टिल कंफ्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ स्मार्टफोन्स की लिंक दी गई है इसी प्राइस रेंज में सिमिलर फीचर्स के साथ, उन्हें एक बार जरूर चेक करें। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर Asus ZenFone 3 Laser। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। ट्विंकल टीवी पर मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स के रिलेटेड ऐसे ही टेक वीडियोस हम अपलोड करते हैं, तो फ्यूचर में अगर आप नए वीडियोस के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।